एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तुबा फातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ आई नो आप लोगों को पता है, आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर ही आए हैं मेरी वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आज बताने वाली हूँ होममेड मेकअप फिक्सर। सो ये मैंने लिया है उसके लिए रोज़ वाटर, मतलब गुलाब जल, एंड उसके बाद ग्लिसरीन। आप देख ही सकते हैं, आई नो। सो अब मैंने एक ये लिया है एलोवेरा जेल बाउल में, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, आई थिंक ये 2 टीस्पून होगा, और ब्लैंक स्प्रे बोतल, खाली मतलब स्प्रे बोतल ली है मैंने, और एक ग्लास लिया है। इसके अंदर हम वाटर को डालेंगे, वाटर फिल्टर का वाटर, बिस्लरी वाटर, कोई भी मतलब डिस्टिल्ड वाटर, आरओ का पानी, कुछ भी मतलब ले लिएगा, ठीक है। सो मैंने पानी को ले लिया है, मैंने आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, मैं बहुत सारा बनाने वाली हूँ। और कितना इसमें गुलाब जल, आप देख सकते कितना पानी है, और गुलाब जल डालने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो इसमें मैं बहुत सारा गुलाब जल डालने वाली हूँ। तो देखिए कितना पानी और कितना हो जाएगा गुलाब जल डालने के बाद। सो देख ही लिया आपने कितना हो चुका है, तो उसी हिसाब से आप जितना बना रहे हो तो उसी हिसाब से आप डाल लिएगा। सो गुलाब जल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, एंड हम डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने बहुत ही मतलब एक बूंद ही डाली है, बहुत कम डाली है, क्योंकि ना समर आने वाले हैं, आप लोगों को पता है समर में तो वैसे भी फेस कितना चिपचिपा सा हो जाता है, तो इतनी अभी विंटर्स है, तो इसलिए मैंने ग्लिसरीन डाल भी ली, ठीक है। और डाल आप भी डालिएगा, ऐसा नहीं है कि समर में नहीं डालेंगे, ऐसा ग्लिसरीन डालिएगा थोड़ी बहुत। तो मैंने थोड़ी सी डाली थी कि मेरी ग्लिसरीन बहुत अच्छी वाली ग्लिसरीन थी, सो मैंने एक बूंदी डाली थी। एंड उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये 2 टीस्पूनों का एलोवेरा जेल। सो ये हमने डाल दिया है, एंड अब हम इसके इसी को मिक्स मतलब मिक्स क्या कर लेंगे, हम इसे स्प्रे बोतल में डालेंगे पहले। सो मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों को पता ही, अब थोड़े टाइम बाद ही समर आ जाएंगे, तो समर में स्किन कितनी चिपचिपी सी हो जाती है, तो मैंने इसलिए ये बहुत सारा बनाया है, क्योंकि मैं रोज़ाना इसको यूज़ कर सकूँ, इसे एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, मतलब यूज़ क्या कर सकते हैं, एज अ मैंने मेकअप फिक्सर ही बताया है ये, लेकिन आप लोग मतलब अपने फेस वॉश करने के बाद समर में इसे वैसे रोज़ाना के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका फेस वगैरह चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो आप इसे फेस पे स्प्रे कर सकते हैं इसे। सो मैंने इसलिए बहुत सारा बना लिया था कि मैं समर में रोज़ाना अपने फेस को एकदम फ्रेश रखने के लिए इसे स्प्रे कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्स करके अपने फेस पर डाल लिया, और इतना अच्छा लग रहा था, इसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी इसके अंदर से, क्योंकि मैंने इसमें रोज़ वाटर वगैरह डाला था ना, तो इस वजह से ग्लिसरीन डाली, रोज़ वाटर डाला, एलोवेरा डाला, मेरे को तो मन कर रहा था बार बार इसे बार बार लगाने का, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये। सही मैं यही बता रही, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी। मेरा फिर मन कर रहा था, मैंने फिर लगा लिया। सो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लगाने के बाद। सो मैंने आपको बता ही दिया, आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना फेस वॉश करने के बाद, जैसे आपका फेस चिपचिपा ना रहे, आपके फेस से बहुत अच्छी अच्छी सी स्मेल आती रहे, फेस पे से बहुत अच्छा अच्छा लगे, फ्रेश फ्रेश लगे आपको इसलिए, ठीक है। सो आई होप गाइस एवरीवन आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। बाय एवरीवन।